destroy. चलो चलो तुम दौड़ 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 वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो वीडियो बनाओ भाई वीडियो बनाओ वीडियो गाड़ी चालू कर गाड़ी चालू कर सर हर घर की तलाश लंबे समय से थी, 5,000 का इनाम घोषित था। आज जैसा कि वीडियो सामने आया है वो भाग रहा है, जिला अदालत की ओर पुलिस उसे पकड़ रही है। किस प्रकार से पूरा सिनेरियो रहा सर? नकली रेमडेसिविर प्रकरण में आरोपी हरकरण फरार था, उसके पीछे हमारी टीम लगी हुई थी और उसकी तलाश के लिए जगह जगह हम चेकिंग भी करा रहे थे। तो हमारी कोरोना का लॉकडाउन को बनाए रखने और हरकरण की तलाश के लिए हमारी चेकिंग एक इंस्पेक्टर निरूपा पांडे के नेतृत्व में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के गेट नंबर 3 के बाहर भी लगी थी। यहाँ पर लगभग 3:30 बजे के आसपास एक वैगनार संदिग्ध गाड़ी निकली, तो जब उसे रोका गया तो वह गाड़ी रुकी नहीं, वह घुसकर कोर्ट की तरफ जाने लगी। यह इसने गाड़ी ने हमारे जो भी पुलिसकर्मी लगे थे उनकी सुरक्षा को एक तो खतरा पहुंचाया, वो उनको साइड में होना पड़ा, उनको चोट आ सकती थी। वो गाड़ी चकमा देकर निकली, फिर उसके बाद हमारे कर्मचारी उसके पीछे दौड़े और उस गाड़ी को रोकवाया। तो हाईकोर्ट की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो पार्किंग है वहाँ पर वो गाड़ी रुकी, उसमें से 2 व्यक्ति निकले और वह व्यक्ति भागने लगा, तो उसको रोका और उसे रोक कर हमारी वो व्यक्ति जिसको रोका उसने गुलाबी शर्ट पहनी थी और पूरा सर ढक रखा था पीले अपने गमछे से। उस स्थिति में जब हमने देखा तो ये कोर्ट के जजेस अधिवक्तागण और साक्षीगण और साथ साथ अन्य लोग जो कोर्ट में आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता था। हमने उसके बाद उसको पकड़ा, उससे पूछा तो उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वैसे ही जनमानस में अभी आक्रोश है इस प्रकरण को लेकर, तो हमने उस व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पहले हम उसे पुलिस लाइन ले गए, वहां से फिर हम उसको क्राइम थाने ले गए। तो जब हमने पूछताछ की तब हमें पता चला कि ये हरकरण सिंह मोखा है, तो हमने उसे हिरासत पुलिस अभिरक्षा में अभी लिया है। अभी हम उससे पूछताछ करेंगे और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी करेंगे। गाड़ी किसकी थी, क्या गाड़ी मालिक पर भी कार्रवाई होगी, क्या प्राथमिक जांच में आया इस जो भी गाड़ी आई है एक वैगनार, तो उस गाड़ी का हम पता कर रहे हैं किसकी है और उसके आधार पर फिर जांच की जाएगी। सर संलिप्तता क्या थी इस केस में हरकरण सिंह? हरकरण सिंह के मित्र जो थे उन्होंने यह सामान ट्रांसफर कराया था और हरकरण सिंह ने भी कुछ इंजेक्शन अपने दोस्त को दिए थे, तो उनकी इस संलिप्तता के आधार पर उसे आरोपी बनाया गया था हरकरण सिंह को और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।